अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के लोकसभा इलेक्शंस को लेके, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोकसभा इलेक्शंस के जो शेड्यूल है वो तो जारी हो गए, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट जारी नहीं की। खास करके कश्मीर डिवीज़न की बात की जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या फिर भाजपा हो, साउथ कश्मीर की सीट को लेके बहुत कॉन्शियस हैं। और साउथ कश्मीर से किस कैंडिडेट को उतारा जाएगा किस पार्टी से, अभी ये पजल खेल चल रहा है। किसी भी पार्टी का कोई भी ये बयान नहीं दे रहा है कि हम किस कैंडिडेट को उतारेंगे साउथ कश्मीर की सीट से। 27 तारीख को लास्ट डेट है जो नॉमिनेशन भरने की, किस सीट से किस कैंडिडेट को कौन सी पार्टी उतार रही है, लेकिन अभी तक कोई पार्टी ये बोल के राजी नहीं है कि लोकसभा में किस पार्टी का कौन सा कैंडिडेट होगा। मेरे साथ है इस सब पे बातचीत करने के लिए सीनियर सहाफ़ी सईद तजम्मुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है सईद साहब। जिस तरह हम लगातार बातचीत करते हैं लोकसभा इलेक्शंस को लेके, अभी लोकसभा इलेक्शंस बहुत नज़दीक हैं, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने जो कैंडिडेट्स हैं वो अभी तक शाये नहीं किए, उनकी लिस्ट शाये नहीं की। खासकर साउथ कश्मीर की आज हम बात करेंगे, उसी सीट पर करेंगे एनालिसिस। आप बताइए क्यों इस तरह का माहौल बना है कि साउथ कश्मीर से ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, पीडीपी की बात की जाए, भाजपा की बात की जाए, इनमें से कोई भी पार्टी राजी नहीं है कि इस सीट से किसको उतारेंगे ये लोग। देखिए जनूबी कश्मीर का अब की बार जो पार्लियामेंट सेगमेंट है ये थोड़ा सा हटके है। रिवायती तौर पर जो साउथ कश्मीर में वोट डलता था वो अनंतनाग, कुलगाम, उसके बाद शुपियां, पुलवामा, त्राल, अवंतीपोरा, इन इलाकों में वोट डाले जाते थे और उसके बाद लोकसभा मेंबर का इंतखाब अमल में लाया जाता था। लेकिन हदबंदी कमीशन या परिसीमन ने जिस तरह से काम किया उसके बाद जो मौजूदा परिस्थिति है ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि आपका राजौरी पहुंच और उसके बाद इस तरफ के जो इलाके हैं अनंतनाग वेस्ट, कुलगाम, आपकी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी डिलिमिट होने के बाद जो है इसका कैंडिडेट का या उम्मीदवार का जो ऐलान करना जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। अब की बार भारतीय जनता पार्टी इस सीट पे बड़ी जोर आजमाई कर रही है कि किसी न किसी तरीके से अनंतनाग लोकसभा सीट से खाता खोला जाए और एक मैसेज दिया जाए कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन जो हुआ है उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर की आवाम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। लेकिन चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जो आखिरी मरहल में जो अलग अलग रास्ते इख्तियार किए, गालिबन इसका मतलब यह है कि लोकसभा चुनाव के लिए जो अनंतनाग लोकसभा की सीट है नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। अगर कल मुंबई में सब ठीक ठाक रहा और राहुल गांधी के साथ महबूबा मुफ्ती की मुख्तर मुलाकात के बाद हो सकता है कि सियासी कमेंटेटर कहते हैं कि शायद साउथ कश्मीर की सीट के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी जिद, हटधर्मी और अपना वोट बैंक जो है बालाई ताक रखकर महबूबा मुफ्ती को सपोर्ट करना होगा। एक हमआहंगी बनाने की कोशिश की जा रही है कि नॉर्थ कश्मीर से और सेंट्रल कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस भले ही अपने उम्मीदवार खड़ा करे जिसके लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उनको सपोर्ट कर सकते, लेकिन साउथ कश्मीर में चूंकि उम्मीदवारों का ऐलान अभी नहीं हो पाया, गालिबन मुंबई से वापसी के बाद जब महबूबा मुफ्ती आज शाम वापस आएंगी तो जो पार्टी का पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का इजलास है वो श्रीनगर में तलब किया जाएगा। उसके बाद जो मुझे जराए बता रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती ही साउथ कश्मीर जो है वो वहां से पीडीपी की चुनावी उम्मीदवार होगी। इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मियां साहब के साथ बराबर मुसलसल रहा चल रहा है कि किसी न किसी तरीके से जो है मियां साहब के साथ मरासिम को और बेहतर किया जाए और उन्हें समझाने की कोशिश की जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस साउथ कश्मीर में अपना बेहतर रिजल्ट देना चाहती है जिसके लिए मियां साहब के साथ सलाह मशवरा जारी है। और बीजेपी के लिए जो है पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना के लिए तमाम तर तैयारियां की जा रही है कि वही लोकसभा सीट अनंतनाग राजौरी से जो है अब की बार चुनावी उम्मीदवार होंगी, लेकिन उम्मीदवार का ऐलान अभी तक क्यों नहीं हो पाया जिसके लिए गालिबन नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बड़ी एक रुकावट बनी हुई है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कबल वक्त कहा कि वो पीडीपी को किसी भी सीट पे सपोर्ट नहीं करेगी बल्कि पीडीपी के बजाय ये कांग्रेस पार्टी के साथ, अगर कांग्रेस पार्टी चाहेगी तो उनको सपोर्ट कर सकती है। यानी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अलग अलग रास्तों पे रवाना हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी जो फिलहाल जम्मू कश्मीर में साउथ कश्मीर की सीट पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही है उसमें गालिबन अब कोशिश ये है कि बीजेपी क्या गुजर उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी पहाड़ियों का एतमाद हासिल करने के बाद, उनका जो ट्राइब जो एसआरओ था उसको हासिल करने के बाद, और क्या गुजर, पहाड़ी और बकरवाल जो है इनके बीच में जो तफावत था उसको किस तरह से दूर किया जाए। अब बीजेपी भी पहले जब बीजेपी सदर महबूबा मुफ्ती का नाम कल परसों तक आ जाएगा उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर अपना उम्मीदवार खड़ा किया तो गालिबन इसका मतलब है कि उसके अगले ही दिन बीजेपी जो है वो अपना चुनावी उम्मीदवार का
ऐलान कर सकती है। मतलब ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं किस कैंडिडेट को उतारा जाएगा, उसी हिसाब से वो अपने कैंडिडेट को उतारेंगे। अब जरा बात करते हैं हम साउथ कश्मीर की सीट को लेकर, क्योंकि साउथ कश्मीर की सीट जो है सुनने में ये आया है कि होम मिनिस्टर अमित शाह का खुद का इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट सीट में है, क्योंकि जब 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 इस सीट का किया गया डिलिमिटेशन उसके बाद भाजपा के लिए सीट जीतना बहुत ज़रूरी है, ऐसा हमें भी ज़राया कहते हैं। अब मुझे बताइए कि अगर कल को साउथ कश्मीर में तमाम पॉलिटिकल पार्टी, जैसे हम बात करें इंडिया अलायंस की, एक ही कैंडिडेट खड़ा करती हैं और इस तरह भाजपा का कोई कैंडिडेट होगा, तो किस तरह का मुकाबला रहेगा? अगर रविंद्र रैना नहीं हुआ, अगर रविंद्र रैना हुआ तो किस कदर मुकाबला होगा, ये जरा मुझे बताइए। देखिए, रविंद्र रैना का मुकाबला, चूंकि रविंद्र रैना पार्टी के अध्यक्ष हैं और इनका जम्मू कश्मीर आना जाना लगा रहा, यहाँ के मीडिया के साथ रब्ता रहा, हुई गुजर पहाड़ी और कबायली अमूरात के जितने भी तबके हैं उनके साथ मुलाकातों का सिलसिला रहा, एक चेहरा है जो काफी मकबूल है, इसमें कोई भी कबाहत नहीं है कहने में। लेकिन उसके मध्य मुकाबले में अगर किसी मोहतरमा को मैंडेट मिलता है वहां से, जो हालिया दिनों में बीजेपी में शामिल हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकलने के बाद, तो शायद मुकाबला जो है इतना आसान नहीं होगा। लेकिन बीजेपी के लिए डू आर डाई जो साउथ कश्मीर की सीट है, इस पे वो सब कुछ दांव पे लगा सकती है। किसी भी कीमत पे वो गुजरों को नाराज नहीं कर सकती, पहाड़ियों को नाराज नहीं कर सकती, माइनॉरिटीज को नाराजगी का कोई मौका नहीं देगी, मेजोरिटी को कोई मौका नहीं देगी। मुझे लगता है कि अगर पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती एक तरफ है, तो उसके मध्य मुकाबले में रविंद्र रैना का जो है मुकाबला अच्छा रह सकता है नस्बतन किसी और का, आप तजुर्बा करेंगे। और इसी तरह से अगर मियां साहब मैदान में आते हैं, उनका पपली आसकंडी भाटा दूरिया, उसके बाद आपका रजौरी बैंडर और इन इलाकों में जो अच्छा खासा कंट्रोल है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चूंकि आखिरी लम्हात में अपना ही उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया, जिससे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो ग्रैब था इस इलाके में, उसे शायद और एक्सरसाइज करने की जरूरत है। लेकिन आपको मसूद साहब ने बता दूं कि बीजेपी के लिए बड़ी अहम नबीद है कि इलाके में रजौरी पुनिश में बड़ी अहम सियासी शख्सियात जिनका ताल्लुक गुजर कबायलों से है या पहाड़ियों से है या बकरवालों से है या बाकी तबकों से, वो ज्वाइन कर रहे हैं। गालिबन मुकाबला जो है बड़ा दिलचस्प होगा साउथ कश्मीर का। अब मुझे बताइए, मेरा ये सवाल था कि अगर भाजपा कल को कोई ऐसी गलती करती है कि रविंद्र रैना की जगह किसी और कैंडिडेट को उतारेंगे, तो किस कदर मुकाबला ये होगा फिर? क्या बीजेपी, मैंने कहा ना, पार्टी प्रेसिडेंट या अध्यक्ष की जब महबूबा मुफ्ती के मध्य मुकाबले हो, तो मुझे लगता है कि ये मुकाबला जो है उतना आसान नहीं होगा भाजपा के लिए। भाजपा के लिए हर हाल में, हर सूरत में, अगर ब्यूरोक्रेट की भाजपा में शमूलियत होती है, जो एक चर्चे है जिन पर कभी कंसेंसस बनता है, हम आगे नहीं बढ़ रही है, अगर वो होता है तो नहीं तो मुकाबला जो है रविंद्र रैना का ही बराबरी पे रह सकता है, चाहे मियां साहब के साथ हो, चाहे महबूबा जी के साथ हो, चाहे और कोई उम्मीदवार हो, लेकिन मुकाबला जो है वो प्रेसिडेंट वर्सेस प्रेसिडेंट ही होगा। अब मुझे बताइए, एक और सवाल है, ये मैं खुद से करूंगा कोशिश जानने की, कि अगर कल को इंडिया अलायंस, जो जिस तरह अभी इन पे फूट चल रही है सीट शेयरिंग को लेकर, कल को अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना कैंडिडेट उतारती है, पीडीपी अपना कैंडिडेट उतारेगी, उसके बाद क्या लगता है आपको इन दोनों को मुश्किल हो सकती है जीतने में, और तीसरे का फायदा हो सकता है? देखिए, दोनों की लड़ाई में तीसरे का फायदा हमेशा हुआ है, तारीख रकम हो चुकी है कि जब दो भाई आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो कोई ना कोई तीसरा जो वजूद होता है वो अमल में आ जाता है। मुझे लगता है कि पीडीपी कभी भी डिपेंडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस पे नहीं रही है, खासकर साउथ कश्मीर में, और साउथ कश्मीर आज भी पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो पीडीपी का है। और अगर यहाँ से पिछले इंतखाबात की आप बात करें, लोकसभा से पहले जो आपके असेंबली के इंतखाबात हुए थे, बीजेपी ने स्वीप किया था, लेकिन उसके बाद जब आप लोकसभा इंतखाबात में जब नतीजे आए तो ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन लोग वोटिंग परसेंटेज उतना नहीं था। हसन मसूदी साहब कितने ही वोटों से जीता है और उस दिन हालात कैसे थे, कितने लेजिस्लेटर छोड़ के गए थे पार्टियां, लेकिन मुकाबले में जब आप साउथ कश्मीर में कहते हैं तो यहाँ आज भी मुकाबला जो है वो बीजेपी का ही बीजेपी के साथ होगा डिलिमिटेशन के बाद। और तीसरा ऑप्शन जो कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई तजुर्बा करना चाहती है, वो उसका मुकाबला नहीं, उसका सानी नहीं, बल्कि मुकाबला जो है वो बीजेपी वर्सेस बीजेपी ही होगा। अब मुझे बताइए, एक और सवाल ये है कि जिस तरह पहले ये बताया जाता था कि शायद गुजर जो है भाजपा से बड़े नाराज हैं, जिस तरह हाल ही में वो तमाम बातें साफ हो गई और जिस तरह जो एसटी कोटा था वो भी
منظر عام پہ آیا کہ جو گجروں کا کوٹا ہے اس کو نہیں چھیڑا گیا، جو ایس ٹی کا کوٹا ہے ان کو الگ سے دیا گیا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے جو ہے بھاجپا پھر سے اپنا ووٹ بینک بنا رہی ہے کہ گجر کی پاسبلٹیز ہیں ان کو ووٹ اچھے خاصے آ سکتے ہیں گجروں کے بھی؟ اب بالکل دیکھیے، جس طرح سے فائدہ نقصان کی جب بات کرتے ہیں، کس طرح سے افغانس بھاجپا کر پائے گا پہاڑیوں کو کہ آپ کا حصہ جو ہے ہم نے کسی دوسرے طبقے سے کاٹ کر نہیں لایا، کتنا وہ کنسنسس بنا پائیں گے، ہم آہنگی بن پاتی ہے گجروں کے ساتھ کہ آپ کا جو ایس ٹی کا سٹیٹس تھا اس میں سے 10% جو ریزرویشن ہم نے پہاڑیوں کو دیا، آپ کا کوئی نفع نقصان نہیں ہے، جو برابری جس طرح سے امت شاہ نے بارہمولہ میں آ کر کہا تھا وفاقی وزیر نے کہ گجر برادری کو سمجھایا تھا کہ آپ کے کوٹے کا حصہ نہیں کاٹا جائے گا، آپ کا پرسنٹیج الگ ہے، پہاڑیوں کا الگ ہے، لیکن کیا یہ گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ کرتے وقت پریکٹیکلی پاسبل ہے کہ آپ پہاڑیوں کو گجروں کے برابر میں لاتے ہیں جبکہ پہاڑیوں کے جو ہے ان کے مسائل بہت زیادہ کم ہے گجروں کے مقابلے میں، رہن سہن کے، اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقے، لیکن جو بھی ہے ڈیلیمیٹیشن کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی نے جس طرح سے کوشش کی گجروں اور پہاڑیوں کو برابری پہ لانے کی، اس کا لابھ ضرور بی جے پی کو کسی حد تک مل سکتا ہے۔ اب ایک سوال اور ہے، کیونکہ جس طرح یہ ساؤتھ کشمیر کی سیٹ ہے اور اس میں ساؤتھ کشمیر کے کافی علاقے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ رویندر رینا وہاں سے کانٹیسٹ کرتے ہیں، جو کشمیری لوگ ہیں ان میں ان کا کیسا اثر ہے، کیا وہ لوگ ان کو ووٹ دے سکتے ہیں، کشمیریوں میں کس طرح کی ان کی پکڑ ہے؟ دیکھیے، رویندر رینا ایک مقبول چہرہ ہے، ایک بڑے پاپولر فیس ہے اس وقت، چاہے آپ ساؤتھ کشمیر کی بات کریں، باقی جگہوں کی بات کریں، وہ انتہائی نرم طبیعت، حلیم طبیعت کے مالک ہیں، ان کی سادگی بہت زیادہ ہے، وہ ایروگنٹ نہیں ہے، وہ لوگوں سے ملتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ بی جے پی نے اننت ناگ کو کیا دیا، ایک کپتان کو ووٹ دینے سے پہلے بھارتیہ جنتا پارٹی نے پچھلے 5 سالوں کے دوران 19 سے 24 تک جموں کشمیر کے عوام کو کیا دیا، اننت ناگ کے لوگوں کو کیا دیا، بے روزگاری سے لے کر جو باقی آپ کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں وہ کتنے ہوئے، اور کیا ساؤتھ کشمیر میں اگر آج بھی آپ گنیں گے تو پی ڈی پی نے کیا دیا، وہ بالکل عوام کے سامنے ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی نے 4 سالوں میں اور پچھلے حکومتوں کے 4 سالوں میں کیا دیا، وہ عوام جان کر فیصلہ کرے گی، لیکن میں نے کہا نا رویندر رینا جو ہے وہ ایک اچھا مقابلہ کر سکتا ہے، نسبتاً آپ کسی اور چہرے کو لائیں گے، اور رویندر رینا ہی پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کے خلاف اگر یہاں پر لوک سبھا چناؤ میں ایکشن میں آئے نظر آئیں گے تو مقابلہ جو ہے بڑا دلچسپ ہوگا۔ چلیے، بہت بہت شکریہ، یہ تھے میرے ساتھ سعید تجمل بات چیت کرنے کے لیے لوک سبھا الیکشنز کو لے کے، کیونکہ جموں کشمیر میں ابھی بھی لوک سبھا الیکشنز کو لے کے کشمیر ڈویژن سے بات کی جائے، این سی کی یا پی ڈی پی کی، ان میں سے کسی بھی پارٹی نے ابھی تک اپنے کینڈیڈیٹس کی لسٹ شائع نہیں کی، کیونکہ لوک سبھا الیکشنز بہت نزدیک آ رہے ہیں، 27 مارچ لاسٹ ڈیٹ ہے کینڈیڈیٹس کی نامنیشن فلنگ کرنے کے لیے، لیکن ابھی تک لسٹ جاری نہیں ہوئی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ جموں کشمیر میں اس بار پارلیمنٹ کا جو الیکشن ہے ان میں بہت بڑا مقابلہ ہونے والا ہے، خاص کر جو ساؤتھ کشمیر کی سیٹ ہے، اور اس پہ ابھی تک بھاجپا بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ کس پارٹی سے کون سا کینڈیڈیٹ اترے گا، اس کے بعد ہی وہ اپنے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو اتار سکتے ہیں، لیکن اب اگر بات چیت کی جائے یا پولیٹیکل اینالسٹ کی بات کی مانی جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ساؤتھ کشمیر سے بی جے پی رویندر رینا کے علاوہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کو اتارتی ہے تو ان کے لیے جیتنا الیکشن تھوڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ رویندر رینا کی بات کریں وہ کافی مقبول ہے کشمیر میں، آئے پچھلے ہی دنوں رویندر رینا نے کشمیر میں بہت سارے جلسے کیے اور اس میں دیکھا گیا کہ کس بھاری تعداد میں ساؤتھ کشمیر میں لوگ نکل کے ان کے پاس آئے، کس طرح ملے ان سے، اور کس طرح رویندر رینا نے اوپن روڈ میں پبلک دربار لگایا، لوگوں کی باتیں سنی، اور ان کے دفتر میں دیکھا جائے تو کافی تعداد میں کشمیری لوگ ان کے پاس ملنے آتے ہیں، تو ظاہر یہ مانا جاتا ہے کہ اگر بھاجپا ساؤتھ کشمیر سے رویندر رینا کے بدلے کسی بھی اور کینڈیڈیٹ کو اتارے گی تو ان کے لیے سچویشن تھوڑا خراب ہو سکتی ہے، اگر رویندر رینا کو بھاجپا ساؤتھ کشمیر سیٹ سے اتارتی ہے تو وہ ون ون پوزیشن میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر مقابلہ انڈیا الائنس کے کسی بھی کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہوگا اور اس طرف بھاجپا کے رویندر رینا ہوں گے تو کشمیری ووٹ بھی آئیں گے، پہاڑی ووٹ بھی اچھی خاصی تعداد میں ان کو لوگ چاہتے ہیں، کیونکہ اب جو پہاڑی اور گجر کے بیچ میں لڑائی تھی، جو گجروں کے لیے ریزرویشن تھی، اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی جس طرح رویندر رینا کہتے تھے، تو بھی اور چانسز بن سکتے ہیں کہ رویندر رینا کو وہاں سے ساؤتھ کشمیر کی سیٹ سے جیتنے کے، اب یہ آنے والا دن بتاتا ہے کس پارٹی سے کون سا کینڈیڈیٹ کس سیٹ پہ اترے گا، اس سب پہ ہم اور بات چیت کریں گے، تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔